हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इसमें बात करने वाले हैं एम्प्रेसिस ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग। सो उनके सीईओ ने ये बुलाया कि हम फेज मैनर में अभी एम्प्रेसिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ऑनबोर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। सो यार एग्जैक्टली देखिए हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये है एम्प्रेसिस के द्वारा कि जो लास्ट ईयर 2021 में फ्रेशर्स को उन्होंने हायर किया था, जिन लोगों को ऑनबोर्ड कर लिया था 5,500 एम्प्लॉयज थे, ठीक है। सो अब जो 5,500 एम्प्लॉयज थे उनमें से कुछ तो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कुछ तो बेंच पे है, ज्यादातर बेंच पे ही उनका ये कहना है। सो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है यार। सो एम्फेसिस के सीईओ का यही कहना था यार कि पहले हम जो हमारे बंदे बेंच पे है उनको प्रोडक्टिविटी के अंदर लाया जाए। सो मतलब उनको प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी के अंदर डाला जाए। सो नेक्स्ट हम ऑनबोर्ड करेंगे जिनको हमने ऑफर लेटर दे रखा है। सो उनके उनका यही कहना है यार कि अभी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास टाइम है, क्योंकि हमारे उनके पास बैकअप में एम्प्लॉयज हैं बेंच पे जो कि यू नो फ्रेशर्स हैं। ओके सो अब उनका कहना यही है कि यार कि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम जिनको उन्होंने कमिटमेंट्स मतलब ऑफर लेटर दे रखे हैं उनको भी ऑनबोर्ड करना जरूरी है, ठीक है। सो अब उनका कहना है कि उनके पास टाइम है। सो वो बोल रहे हैं कि फेज्ड मैनर में हम लोग ऑनबोर्ड करेंगे। सो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लग सकता है भाई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो बेंच पे है, अगर आप सपोज मान के चलिए आपका खुद का बिजनेस हो, आपके पास कुछ ऑलरेडी एम्प्लॉयज पड़े हो बेंच पे जो काम नहीं कर रहे आपके लिए, आप उनको सैलरी पे कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप यही सोचेंगे पहले उनसे हम काम कराएं फिर बाद में न्यू जो बंदों को हमने ऑफर लेटर दे रखा है या हायर किया हुआ है उनको हम ऑनबोर्ड करेंगे। सो यही एग्जैक्टली सिनेरियो है। सो मुझे पता है इस वीडियो में उतना ज़्यादा लाइक और यू नो उतना व्यूज़ नहीं आएंगे, फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 10-20-50 लोगों के पास जाएगा, वही काफ़ी इनफ है मेरे लिए। क्योंकि देखिए व्यूज के लिए तो हम और भी यू नो कंट्रोवर्सियल वीडियोज या ढेर सारी काइंड ऑफ वीडियोज होती हैं हम बना सकते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ है यार कि किसी दूसरे की प्रॉब्लम या इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके पास पहुँच जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। व्यूज तो आते जाते रहते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और इस वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।